नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट में मवेशी लेकर पहुंची शिवसेना, मचा हड़कंप। नगर निरीक्षक कोतवाली सीधी एवं शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के साथ हुई झड़प। इस दौरान भारी संख्या में मवेशियों को लेकर जब कलेक्ट पहुंचे शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ, तो नगर निरीक्षक कोतवाली ने उन्हें रोकना चाहा। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। टीआई ने कहा कि मामला दर्ज कराऊंगा। वहीं विवेक पांडे ने कहा कि मुक बधिर मवेशियों को लेकर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो भी हम तैयार हैं। जवान आवारा मवेशियों से पीड़ित किसान जिले में बिक रही मांस पर कोई जांच ना होने के संबंध में है। कल गौ हत्या हुई, उसके मामले में आपसे चर्चा करना चाह रहा था। पूरा प्रशासन जानकारी है, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठा रहा। नहीं, कार्रवाई हुई है, एफ आई आर वगैरह हुई है उसमें। आरोपी नहीं गिरफ्तार हुए हैं? आरोपी हुए, अब जो चले कर रहे हैं, तो जैसी होता जानकारी आ जाएगी गिरफ्तार हो जाएगा। गंभीर विषय है जो कि मैं पहले फर्स्ट मुद्दे पे बात करूंगा। गौ माता के साथ आपके पड़रा पंचायत लगता है और बंधे के किनारे करीब 5-7-8 से की जो भी संख्या रहे हों, मेरे युवा साथियों द्वारा जानकारी दी गई है करीब 7 बजे की घटना है, 6:30 जानकारी दी गई कि एक गौ माता को निर्मम तरीके से हत्या करके काट कर उनका मांस जो है तो किया जा रहा है, काट पीट कर रहे हैं। जब मैं मौके पे पहुंचता हूं तो मुझे लगा कि वो हथियार ले थे, सभी हथियार में गड़ासा उड़ासा लेते। मैंने इसकी जानकारी महोदय हमारे थाना प्रभारी जो जमुई के साथ थी उनको मैंने जानकारी दी सारी, और वो तत्कालीन वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस बोली कि आप लोग साथी मेरे 20-25 सैनिक थे। और जब ही मैं पहुँचा वहाँ पे तो सारे सैनिक फूट में अलग अलग फूट में वहाँ पे छावनी की तरह अंधेरे में छापा मारने को, वो हमें लगता है कुछ खाना पीने लग गई और वहाँ से भाग गई। और भागने के लिए इत्तेफाक देखिए कि कहीं ना कहीं अधर्म छुपता नहीं, कितना भी आप गलत करें तो वो खुलता ही सच है। हम ढूंढते हुए बस्ती में डायरेक्ट घुसे और उसी घर पे जाके मैं खड़ा हुआ जहाँ पे वो कटिंग रखी। मैं तो गया, देखा था, कहा दो लोग खड़े थे, तो वो एक लड़का मेरा जो देखा था शिवसैनिक उसने बोला कि भैया यही लोग हैं। मैंने कहा साइलेंट, क्योंकि वो हथियार भी लिए रह सकते हैं घर में। मैंने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया और 2-3 पुलिसकर्मी थे उसमें से हमारे कोई एक भाई साहब ने ये बताया कि ये मांस घर बैठा वहाँ पे मांस उसमें तगाड़ी में बोरी के अंदर भरा हुआ रखा था। कहा ये है मांस ये, तो उन्होंने पुलिस वालों ने देखा वहाँ पे। मैं तो था ही साथी में, सब पकड़ा। साथी में वहाँ पे एक महिला थी जो वहाँ पे आरोपी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप था, हमने तो देखा नहीं था, जो भाई ने देखा था। FIR दर्ज करवाया, मामले दर्ज हुए। और वो गाय को मैं सीधे तौर पर बता दूँ, ये आज खुलासा हुआ है, एक डेमो टाइप का मेरे सामने आया। हमें लगता है कि पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसा व्यापार चल रहा है, और ऐसे व्यापार में ये सीधी शहर में, सीधी जिले में जितने मीट व्यापारी हैं इनकी कभी मांस चेक नहीं की जाती, तो वो भय का है कि मांस ना वो जांच करने जाते ना कुछ पता करने जाते। साथ में ये ईसाई समुदाय, ईसाई मशीनरी चल रही, ये इतना गंदगी करके रखे हैं कि गौ हत्या जैसी चीज़ों को बढ़ावा देकर पूरे हमारे पिछड़े समाज को, ज़्यादातर आदिवासी या शोषित लोग गुमराह कर करके धन परिवर्तन का खेल कर रही है। गीता दीक्षित नामक महिला हर रविवार के दिन 500 ईसाई बनाती है, यही आपके में गुरुद्वार के पीछे बैठा। नहीं, सवाल गौ हत्या